वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने मीडिया का कड़वा सच बयान करने वाली मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है नारदन और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली प्राइम पे रिलीज हुई। अब जहाँ पर मलयालम मूवीज की बात आती है, इन लोगों की कॉन्सेप्ट कुछ हटकर ही होते हैं। इस मूवी का कॉन्टेंट भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। किस तरह से मीडिया अपने फायदे के लिए पब्लिक के इमोशंस का इस्तेमाल करती है, उनके साथ खिलवाड़ करती है, वो इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। स्पेशली ये मूवी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके एंड होती है, ये काबिले तारीफ है। तो चलिए बिना टेमिश के लेट स्टार्ट। और उससे पहले अल्ट्रा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2021 में रिलीज हुई अंदमान मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इस मूवी में कोविड की सिचुएशंस को बहुत ही खूबी से दिखाया गया है। कहानी ये है कि अभिमन्यु नाम का एक बंदा IAS की पढ़ाई कर दो या तीन बार इंटरव्यू में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली अभिमन्यु को ग्राम सेक्रेटरी की जॉब मिलती है। अपने जॉब के दौरान एक दिन अभिमन्यु अंदमान नाम के एक गांव को जाता है जो शहर से बहुत ही अलग होता है। उस गांव को एक छोटी सी नदी डिवाइड करती है। अगर सरकार चाहे तो उस नदी के ऊपर एक ब्रिज बनवा सकती है, लेकिन वो गांव बाकी गांव से बहुत अलग होता है। अगर उस गांव को जाना होगा तो 60 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना होगा अपनी बाइक या कार में। उस गांव में हॉस्पिटल नहीं होती, बिजली उतनी ज्यादा देर नहीं होती, मतलब उतने अच्छे फैसिलिटीज नहीं होते। खैर इसी दौरान भारत में लॉकडाउन लग जाता है। सरकारी ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि उस गांव में क्वारंटीन सेंटर लगाएंगे, क्योंकि वो गांव पहले से ही दूसरे गांव से अलग है। और उस क्वारंटीन सेंटर को चलाने के लिए अभिमन्यु को बोलते हैं। वहां जाने के बाद अभिमन्यु कोविड से ही नहीं बल्कि जात रिलीजन नाम की कुछ चीजों से भी लड़ना पड़ता है। जिस गांव में ढंग की सुविधाएं नहीं, उस गांव में अभिमन्यु ने क्वारंटीन सेंटर कैसे चलाया और आखिर में क्या हुआ, यही इस मूवी की कहानी है। मूवी की IMDB रेटिंग 9.3 है आउट ऑफ 10। डिस्क्रिप्शन में मैंने मूवी का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक को क्लिक कर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। मूवी की शुरुआत में ही शकीरा नाम की एक लेडी लॉयर को दिखाया जाता है जो एक NGO चलाते हुए पीड़ित लोगों का केस फ्री में लड़ती रहती है, मतलब गरीबों का केस फ्री में लड़ती है। उसके बाद प्रकाश नाम के एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है। प्रकाश यन न्यूज नाम के एक बहुत बड़े TV चैनल में काम करता है और प्रकाश हमेशा अपने चैनल में किसी न किसी का डिबेट लाते रहता है, मतलब एक छोटी सी चीज को ब्रेकिंग न्यूज बनाता रहता है। खैर फिलहाल प्रकाश बाबूजी नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को अपने स्टूडियो अपने चैनल बुलाता है। डिबेट के दौरान बाबूजी मीडिया के सामने ये कहता है कि मैं सब कुछ सिस्टम के हिसाब से ही अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। डिबेट खत्म होने के बाद बाबूजी अपने घर जाते जाते थॉमस नाम के एक मिनिस्टर को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे इलेक्शन के लिए फंड दिया था, अगर तुम मेरे बिजनेस को रोकने की कोशिश की तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। खैर दूसरे सीन में एक और बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम है प्रदीप। प्रदीप फिलहाल वार्ता 24/7 नाम के एक न्यूज चैनल में काम करते रहता है और प्रदीप बहुत ही सिंसियर बंदा होता है, मतलब TRP के लिए ऐसे वैसे न्यूज अपने TV न्यूज चैनल में नहीं लाता रहता। प्रदीप के अपने खुद के उसूल होते हैं, वो उसी को फॉलो करते रहता है। खैर रात होने के बाद ये सारे के सारे मीडिया वाले जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट कमरे में मुलाकात करते रहते हैं। सारे लोग दारू वगैरह पीकर अपने अपनी दुख भरी दास्तान एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। अब प्रकाश भी उसी क्लब को आता रहता है। वहाँ के सारे लोग प्रकाश को देखकर प्रकाश की ही तारीफ करते रहते हैं। एक बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे चैनल में तुम ही मेन हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे चैनल में डिबेट्स चलते हैं, शायद तुम जल्दी में प्रमोशंस भी पा लोगे। वही दूसरी तरफ बेचारा प्रदीप अपने दोस्तों से ये कहने लगता है कि कुछ दिनों से हमारे चैनल की मैनेजमेंट हमको सैलरी नहीं दे रही, काश इस महीने में तो मुझे सैलरी मिले तो अच्छा होगा। खैर उसी क्लब में प्रकाश के साथ प्रकाश का फ्रेंड मनु होता है। अथीरा नाम की एक लड़की मनु को कॉल करती है। मनु फौरन प्रकाश के पास आकर कहने लगता है कि तुम अपना फोन पिक नहीं कर रहे, इसीलिए अथीरा मेरे फोन को कॉल किया। प्रकाश अथीरा से बात करने के बाद प्रकाश को ये बात पता चलती है कि अथीरा पार्किंग लॉट में है। अथीरा से जा मिलता है। एक्चुअली प्रकाश और अथीरा ये दोनों कुछ दिनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन पता नहीं प्रकाश को अचानक क्या हो गया, वो अथीरा को दूर करते रहता है, हालांकि इसका बर्थडे भी भूल जाता है। अथीरा से इसी तरह से बात भी नहीं करता, चुपचाप अपना सर हिलाकर वापस अंदर चला जाता है। खैर दूसरे दिन सारे मीडिया वाले अपने अपने कामों में लग जाते हैं। प्रदीप अपने चैनल में योगा का प्रोग्राम करते रहता है। वही दूसरी तरफ यह न्यूज चैनल वाले मुड़ियन नाम के एक रैपर को अपने चैनल पर बुलाकर उसका इंटरव्यू लेते रहते हैं। रैप सिंगर मुड़ियन और लॉयर शकीरा ये दोनों नेबर्स होते हैं। ये दोनों हर रोज एक दूसरे से नॉर्मली बात करते रहते हैं। खैर प्रदीप वार्ता 24/7 में इसलिए काम करता रहता है क्योंकि यहाँ पर इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, लेकिन बेचारे को नो सैलरी। प्रदीप अपने बॉस को देखकर कहने लगता है कि एक अच्छा चैनल है, इसीलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से आपने सैलरी सी नहीं दिया, अगर यही कंटिन्यू होता रहा तो मैं दूसरी जॉब देख लूंगा।
खैर उसी वक्त कुछ नक्सल गवर्नमेंट को वार्न करते हुए कुछ पोस्टर्स को लगाते हैं। यह खबर जानने के बाद प्रकाश एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अपने चैनल पर बुलाता है, इसके बारे में डिबेट करने लगता है, इसे भी एक हाईलाइट न्यूज बना देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रदीप अपनी जान दांव पे लगाकर उन नक्सल के पास जाकर उनका इंटरव्यू लेते रहता है। हालांकि प्रदीप का चैनल उतना हाई रिच नहीं है, उतनी फैसिलिटीज नहीं है, इसके बावजूद भी प्रदीप ने ये डेट दिखाई, जिसकी वजह से वार्ता 24/7 का TRP झटके से ऊपर चला जाता है। ये न्यूज देखने के बाद प्रकाश का बॉस कुरूप अपनी टीम मेंबर्स को अपने कैबिन में बुलाता है और प्रकाश के साथ साथ उन सारे लोगों को डांटने लगता है कि मैं तुम लोगों को हर एक की फैसिलिटी दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी प्रकाश तुम डिबेट पे लगे हो, वो छोटा चैनल देखो हमसे कितना आगे निकल गया, और फौरन ये न्यूज चैनल की TRP बढ़ाने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद अब तक प्रकाश अपने आप को नंबर 1 समझ रहा था, लेकिन प्रदीप की वो न्यूज से प्रकाश के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। प्रेस क्लब में भी सारे के सारे लोग प्रदीप की ही तारीफ करते रहते हैं। इस तरह से जब प्रकाश इरिटेशन में होता है तभी उसी वक्त अतिरा प्रकाश को कॉल करती है, मतलब उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसे समझाने के लिए। लेकिन प्रकाश अतिरा को डांट डपटने लगता है कि मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, कितनी बार कहा कि मुझे कॉल मत करो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। दूसरे दिन प्रदीप अपने बॉस के पास आकर कहने लगता है, अगर आज रात तक आपने मुझे सैलरी नहीं दिया तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। इस तरफ क्रूप प्रकाश और उसकी टीम को बुलाकर कहने लगता है कि हमारे चैनल की TRP बहुत ही डाउन हो चुकी है, किसी भी तरह करके TRP बढ़ाओ। सो प्रकाश के ऊपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से 2 दिन की लीव लेकर अपने गांव जाता है। खैर जब प्रकाश अपने गांव आता है, रात होने के बाद प्रकाश और उसका फादर दारू पीने के लिए बैठते हैं। प्रकाश का फादर कहने लगता है, अच्छा हुआ तुमने अथिरा से ब्रेकअप कर लिया, अब अच्छी किसी मालदार लड़की को देखकर उसे शादी कर लो, मैं भी तुम्हारी माँ को उसकी प्रॉपर्टी देकर ही शादी की। इसी बातों के दरमियान प्रकाश अपने न्यूज चैनल को TV में ऑन करता है। TV ऑन करने के बाद प्रकाश ये देखता है कि प्रकाश की प्लेस में प्रदीप है। ये देखने के बाद इसके तो होश उड़ जाते हैं। तभी प्रकाश का फ्रेंड प्रकाश को कॉल करके ये बताने लगता है कि शायद तुम्हारा बॉस इसी के इंतजार में था कि कब तुम लीव लोगे। तुम लीव रखने की वजह से बॉस प्रदीप को तुम्हारे सीट पर ले आया, और वो भी तुमसे भी ज्यादा सैलरी देकर। दूसरे दिन प्रकाश फौरन अपने ऑफिस को जाता है, लेकिन प्रकाश का बॉस कुरूप प्रकाश को इम्पोर्टेंस ना देते हुए प्रदीप को इम्पोर्टेंस देते रहता है, हर एक बात में प्रदीप की राय पूछते रहता है। बेचारा प्रकाश बहुत ही इंसल्टिंग फील करने लगता है। उसके बाद प्रकाश का फ्रेंड प्रकाश के पास आकर कहने लगता है, जो बिजनेसमैन है ना बाबूजी, वो तुमसे मुलाकात करना चाहता है, कुछ बिजनेसमैन मिलकर एक TV न्यूज चैनल को रखना चाहते हैं। सो तभी प्रकाश और उसका फ्रेंड उन बिजनेसमैन के पास जाते हैं। बाबूजी अपने 3 और पार्टनर्स को दिखाकर प्रकाश से कहने लगता है कि हम सारे लोग मिलकर एक TV न्यूज चैनल को रखना चाहते हैं, हम में से किसी को भी इसके बारे में नहीं पता, हम लोग बस इन्वेस्टमेंट करेंगे, चैनल सब कुछ तुम ही चलाओगे, तुम चैनल में जो कुछ भी न्यूज डालो वो तुम्हारी मर्जी, हमको बस प्रॉफिट चाहिए, सोचकर बताना तुम। सो बहुत सोचने के बाद प्रकाश बाबूजी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद प्रकाश मोटिवेशन के लिए किसी डॉक्टर के पास काउंसलिंग लेते रहता है। काउंसलिंग के दौरान वो डॉक्टर प्रकाश से कहने लगता है, तुम्हारे सक्सेस के बीच में जो कोई भी आएगा तुम उसको अपने पैरों से कुचल दो, किसी भी तरह करके तुम अपने टारगेट तक पहुँच जाओ। इस तरह से कुछ मोटिवेशन की बातें प्रकाश को सुनाते रहता है, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालते रहता है। वही दूसरी तरफ न्यू चैनल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रकाश अपने खुद ही से अपने टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करने लगता है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को, उनका इंटरव्यू लेने लगता है, उन लोगों को काम समझाने लगता है, और फाइनली प्रकाश अपने चैनल का नाम नारदा न्यूज रखता है और हर एक TV न्यूज चैनल में अपने एड्स देते रहता है कि नारदा न्यूज चैनल कमिंग सून। अब ये न्यूज यंग चैनल वाले देख लेते हैं, मतलब कुरूप प्रदीप ये सारे लोग। प्रकाश का ये प्रोमो देखकर ये लोग ये डिस्कस करते रहते हैं कि बिना ट्रायल के ये अपने चैनल को स्टार्ट कर रहा है, और वो भी डेट भी अनाउंस कर दी, पता नहीं कौन से प्रोग्राम लेकर लोगों के सामने आएगा। प्रकाश को हम कम नहीं समझ सकते, अगर वो धासुदार ब्रेकिंग न्यूज से लोगों के सामने आया तो हमारी TRP गिर जाएगी। सो जब नारदन चैनल लॉन्च होगा उसी दिन से हम लोगों को हमारे न्यूज चैनल में कुछ अच्छे न्यूज को डालना होगा, तभी हम नारदन चैनल को दबा सकते हैं, पहले ही स्टेप पर इसको नीचे गिरा देना होगा। इस तरह से ये लोग डिस्कस करते रहते हैं। वही दूसरी तरफ प्रकाश अपने टीम मेंबर्स को ये स्पीच देने लगता है, हम लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना है, नंबर 1 होने के लिए चैनल में न्यूज नहीं बल्कि इमोशंस होना चाहिए, वही इमोशंस हम पब्लिक के ऊपर टारगेट करेंगे। हर जिस दिन नारदन का चैनल लॉन्च होने वाला होता है, प्रदीप बहुत ही मुश्किल से अपने चैनल में एक धासुदार न्यूज लेकर आता है। प्रदीप बहुत ही मुश्किल से स्ट्रिंग ऑपरेशन करके एक गवर्नमेंट ऑफिसर का पर्दाफाश करता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर रिश्वत लेते रहता है। प्रदीप का एक आदमी
उसको हिडन कैमरा से कैप्चर करता है। यही न्यूज यन चैनल में टेलीकास्ट होती रहती है। वही दूसरी तरफ प्रकाश अपने चाल के सामने आकर कहने लगता है कि पुराने जमाने में नारद मुनि हर जगह पर जाकर न्यूज को गैदर करते थे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने चैनल का नाम नारदन रखा। हमारे चैनल का पहला न्यूज ही एक ब्रेकिंग न्यूज है, ये न्यूज सारे केरला को ही हिला देगी। ऐसा कहते हुए एक न्यूज टेलीकास्ट करने लगता है कि मिनिस्टर थॉमस अपने पास आए हुए हर एक लेडी पर अपनी बुरी नजर डालता है। इसके लिए प्रकाश ने स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किया और इसी तरह और कुछ लोगों को ऑनलाइन में बुलाकर इसके बारे में डिबेट करने लगता है कि मिनिस्टर सी लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव किया तो हमारा स्टेट कहां तक सेफ रहेगा। अब ये न्यूज सारी की सारी पब्लिक देख लेती है। नारदन की टीआरपी एकदम से ऊपर चली जाती है। दूसरे पार्टी वाले पब्लिक थॉमस के पास आकर उसकी कार को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछालने लगते हैं। पब्लिक भी यही चाहती रहती है कि थॉमस अपना इस्तीफा दे दे। खैर इस तरफ कुरुप प्रदीप को बुलाकर कहने लगता है कि प्रकाश के स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से हमारे चैनल की टीआरपी गिर गई। प्रदीप कहने लगता है प्रकाश बहुत ही नीचे गिर गया, इसीलिए वो ऐसे न्यूज लेकर आया है। उसे लोगों की नहीं अपने चैनल की परवाह है, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठ सकते, तो हमारे चैनल की टीआरपी वापस लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। प्रकाश से पहले मिस्टर थॉमस को हमारे चैनल पर बुलाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, पता करेंगे कि असली सच्चाई क्या है। सो कुरुप भी प्रदीप के आइडिया को ओके कह देता है। तभी से यन चैनल वाले अपने चैनल में ये न्यूज चलाते रहते हैं कि हम मिनिस्टर थॉमस का इंटरव्यू लेने वाले हैं, कमिंग सून। प्रदीप और उसकी टीम थॉमस के घर जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, और जब इंटरव्यू होने वाला होता है तभी प्रकाश थॉमस को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि तुम यंग चैनल को इंटरव्यू मत दो, अगर तुमने इंटरव्यू दे दिया तो मैं उस लड़की के साथ तुम्हारे ऊपर रेप अटेम्प्ट का केस लगा दूंगा। ऑलरेडी मैंने उस लड़की के हाथ कंप्लेंट लेटर लिखवा लिया, बस पुलिस स्टेशन को जाने की देरी है। इस तरह से प्रकाश वो कंप्लेंट लेटर थॉमस को व्हाट्सएप करता है। ये देखकर थॉमस अपना इंटरव्यू देने से मना कर देता है, चुपचाप वहाँ से उठ के चला जाता है। खैर अब नारदन चैनल की टीआरपी बढ़ चुकी है, सो कांग्रेस देने के लिए बाबूजी प्रकाश से आ मिलता है। प्रकाश के साथ साथ उसका फ्रेंड मनु भी आता है। मनु प्रकाश से थोड़ा क्लोजली बिहेव करने लगता है। ये देखकर प्रकाश मनु को बाहर बुलाकर उसे डांटने लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉस हूँ, दोबारा लोगों के सामने ऐसी हरकतें मत करो। ये सुनने के बाद बेचारा मनु बहुत मायूस होने लगता है। और कुछ दिनों बाद थॉमस अपना इस्तीफा दे देता है क्योंकि सारी पब्लिक इसके खिलाफ है। खैर ये मामला खत्म होने के बाद प्रकाश एक और धांसुदार न्यूज लेकर आता है, और वो न्यूज है योयो एप्लीकेशन। कॉलेज के स्टूडेंट्स योयो ऐप का इस्तेमाल करके कॉलेज बंक करके होटल्स में जाकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वैसे भी होटल मैनेजमेंट ऐसे स्टूडेंट्स को अपना रूम क्यों दे रही है, और ऊपर से बिना स्टूडेंट्स को पता चले उन रूम्स में हिडन कैमरास भी फिट करती है। कहां पर जा रहा है हमारा कल्चर। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर पर ध्यान देने के बजाय इस उम्र में होटल जा रहे हैं। सो इस न्यूज के बारे में भी प्रकाश कुछ लोगों को बुलाकर डिबेट करने लगता है। ये न्यूज देखने के बाद काफी सारी पब्लिक इसका विरोध करती है, मतलब योयो ऐप को बैन करना, कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग प्रकाश के चैनल को बैकआउट करने की कोशिश करते रहते हैं, रैलियां निकालने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं। सो प्रदीप भी अपने न्यूज चैनल में यही कहने लगता है कि नारदन चैनल वाले हर एक न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं, अपने टीआरपी के लिए समाज का माहौल बिगाड़ रही है ये चैनल। और प्रदीप खुद उस रैली में शामिल होता है, लोगों से नारदन चैनल के बारे में पूछते रहता है, प्रकाश के बारे में पूछने लगता है। प्रकाश प्रदीप का ये न्यूज देखकर इसको तो बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन ग्रुप को कॉल करके बताने लगता है कि तुम फौरन प्रदीप से कहो कि वो लाइव टेलीकास्ट ऑफ कर दे। ग्रुप कहने लगता है अब ये स्टॉप नहीं होने वाला। प्रकाश ग्रुप से कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी की नेकेड वीडियोस मेरे पास है जब वो बाथरूम में स्नान कर रही थी, अगर तुमने लाइव को नहीं रोका तो मेरे चैनल पर अगली न्यूज तुम्हारी बेटी की ही होगी। बेचारा ग्रुप डर के मारे अपना लाइव टेलीकास्ट ऑफ कर देता है। इस तरह से प्रकाश के सामने जो कोई भी आता है उसे कुचलते रहता है। बस प्रकाश सक्सेस हासिल करना चाहता है किसी भी तरह करके। अपने ऑफिस आने के बाद प्रकाश अपनी टीम को बधाई देने लगता है कि आज इनका चैनल नंबर वन है। खैर उसके बाद जब प्रकाश बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहा होता है लिफ्ट के जरिए से, उसी लिफ्ट में रैप सिंगर मुड़ियन होता है। मुड़ियन प्रकाश का वीडियो बनाते हुए उससे पूछने लगता है क्या किसी के पर्सनल लाइफ में घुसकर, किसी के रूम में घुसकर उनकी पर्सनल चीजों को अपने चैनल में डालना क्या यही है जर्नलिज्म? पब्लिक को दिखाने के लिए और कोई न्यूज नहीं? इस तरह से प्रकाश को सवाल करने लगता है। यह सवाल सुनने के बाद प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्रकाश अपना गुस्सा कंट्रोल करके चुप हो जाता है, मुड़ियन को कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद प्रकाश बोर्ड मीटिंग के लिए आता है, उन बिजनेसमैन से कहने लगता है
कि आपकी विश थी कि 3 या 4 सालों में आपका चैनल नंबर 1 चैनल बना दूं, लेकिन मैंने ये काम एक ही साल में कर दिया, इसलिए मुझे प्रॉफिट में से 50% चाहिए, ना ही कि तुम्हारी सैलरी। ये सुनने के बाद बाबूजी और वो लोग शॉक में रह जाते हैं। तभी प्रकाश का एक फ्रेंड प्रकाश को एक वीडियो सेंड करता है, जो अभी भी थोड़ी देर पहले मुड़ियन ने प्रकाश की वीडियो बनाई थी, उसे सवालात किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, काफी सारे लोग प्रकाश को ब्लेम करने लगते हैं। सो प्रकाश मुड़ियन के ऊपर गुस्सा होकर पुलिसों से हाथ मिलाकर मुड़ियन के घर में ही ड्रग्स रखवा के उसको गिरफ्तार करवाता है, मतलब बेचारे मुड़ियन को झूठे केस में फंसा देता है। और इसी तरह नारदन के चैनल में मुड़ियन की न्यूज ही ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है। अब लॉयर शकीरा मुड़ियन को अच्छी तरह से जानती है, डिसाइड कर लेती है कि ये मुड़ियन के लिए केस लड़ेगी। उसके बाद मुड़ियन के दूसरे फ्रेंड्स प्रकाश और उसके चैनल के खिलाफ रैप सॉन्ग्स बनाने लगते हैं, उसकी और उसके चैनल की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद मुड़ियन बेल पे बाहर आता है, शकीरा इसको बेल दिलवाती है। प्रदीप कुरूप के पास आकर कहने लगता है कि हमारी TRP हासिल करने के लिए हम मुड़ियन का इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन बेचारा कुरूप इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि प्रकाश के पास इसकी बेटी की वीडियोस है। बेचारा कुरूप डर जाता है। प्रदीप कहने लगता है कि सर, मेरे पुराने चैनल में सैलरी कम थी, लेकिन न्यूज देने का बहुत फ्रीडम था। मैं अपने चैनल में जी चाह न्यूज देता था, लेकिन इस चैनल में सैलरी है लेकिन बोलने का फ्रीडम नहीं। इस तरह से कहते हुए प्रदीप अपने पुराने चैनल को ही चला जाता है, वार्ता 24/7। उसके बाद प्रदीप शकीरा के पास आकर कहने लगता है, हर एक जर्नलिस्ट TRP के लिए गलत न्यूज नहीं छापते, कुछ ईमानदार जर्नलिस्ट भी है इस दुनिया में। और उसी तरह मुड़ियन का इंटरव्यू लेने का परमिशन पूछता है। अब प्रकाश को पता चल जाती है कि प्रदीप अपने चैनल में मुड़ियन का इंटरव्यू लाने वाला है। सो प्रकाश मुड़ियन के घर के पास ही डिबेट रखने का सोचता है, मतलब मुड़ियन का और ड्रग्स का क्या रिलेशनशिप है, क्या मुड़ियन के गांव वाले भी मुड़ियन का साथ दे रहे हैं। इस तरह से प्रकाश प्लानिंग करने लगता है। प्रकाश का एम्प्लॉय प्रकाश से कहने लगता है, सर अगर हम ऐसा करेंगे पुलिस का प्रोटेक्शन लेना होगा, लेकिन प्रकाश इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि प्रकाश यही चाहता है कि मुड़ियन के घर के पास दंगा फसाद हो, अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा तो दंगा फसाद को रोकेगी, इस दंगा फसाद में मुड़ियन जख्मी होना चाहिए। इस तरह से प्रकाश एक जबरदस्त प्लान बनाता है। इसी दरमियान में बेचारे प्रदीप का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। इस तरह प्रकाश का फ्रेंड मनु प्रकाश के पास आता है, और एक्चुअली मनु को पक्का यकीन होता है कि प्रदीप को एक्सीडेंट करवाने वाला प्रकाश ही हो सकता है, इसलिए मनु अपनी जॉब को रिजाइन कर देता है, प्रकाश के पास काम नहीं करता। तभी उसी वक्त प्रकाश के पास उसका एक लॉयर कोर्ट का ऑर्डर ले आता है, और ये ऑर्डर और कुछ नहीं, प्रकाश मुड़ियन के गांव में डिबेट रखने वाला होता है ना, उस डिबेट को रोकने का ऑर्डर, स्टे ऑर्डर। ये जान लेने के बाद प्रकाश सीनियर लॉयर गोविंदन से आ मिलता है। गोविंदन प्रकाश से कहने लगता है कि प्रकाश ऐसे हालत में डिबेट रखना अच्छी बात नहीं। प्रकाश कहने लगता है, नहीं मुझे ये डिबेट करना ही होगा, मैं ऑलरेडी डेट और प्रोमोस फिक्स कर दिया, रिलीज कर दिया, मैं उसके बारे में पीछे नहीं हटूंगा, आप किसी भी तरह करके कोर्ट जाकर ये स्टे ऑर्डर हटवा दीजिए। सो दूसरे दिन जूनियर लॉयर कोर्ट में जाकर यही एप्लीकेशन को रखता है कि प्रकाश के डिबेट का स्टे ऑर्डर हटवा दीजिए। जज कहने लगता है कि स्टे ऑर्डर तो हटवाया नहीं जा सकता, उसी तरह से इस केस को कल के लिए स्थगित करता है, और उसी तरह सीनियर लॉयर गोविंद और प्रकाश को कल कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहता है। सो दूसरे दिन उसी तरह से प्रकाश गोविंदन कोर्ट में हाजिरी देते हैं। इस केस को लेकर गोविंदा और शकीरा के बीच आर्गुमेंट चलने लगती है। गोविंदा पास्ट में हुए कुछ केसेस के बारे में जज को बताते हुए कहने लगता है कि नारदन चैनल जिस डिबेट को करने वाली है, उस डिबेट को रोकना मीडिया के हक के खिलाफ है। शकीरा भी कुछ लॉज को कुछ सेक्शंस को बताते हुए कहने लगती है कि कौन सा भी न्यूज चैनल बिना सबूत के झूठी न्यूज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, और ऐसे मीडिया लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी भी बंदे को क्रिमिनल नहीं दिखाया जा सकता, उस बंदे को क्रिमिनल भी बुलाना लॉ के खिलाफ है। मतलब यहाँ पर गोविंदा अपने हिसाब से आर्गुमेंट करने लगता है, उसी तरह से शकीरा भी। खैर इसी आर्गुमेंट के दौरान प्रकाश अपनी सीट से खड़ा होकर कहने लगता है कि जैसा आप मेरा और मुड़ियन का किसी भी तरह से पर्सनल इश्यू नहीं है, मैं क्यों उसके खिलाफ न्यूज को प्रमोट करूंगा, मैं सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा हूं। शकीरा भी कहने लगती है, ये सब झूठ है जज साहब, मुड़ियन ने प्रकाश की वीडियो बनाई, सो इसी पर्सनल इश्यू को लेकर प्रकाश ने मुड़ियन को फंसाया। प्रकाश कहने लगता है, जज साहब वही मेरे पर्सनल स्पेस में आकर मेरी वीडियो बनाई। शकीरा कहने लगती है, हाँ आप लोग तो बहुत दूध के धुले हो, आप जैसे मीडिया वाले किसी के बेडरूम में घुसकर उसकी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मुड़ियन लिफ्ट में आपकी वीडियो नहीं बना सकता, ये कहाँ का पर्सनल स्पेस है जज साहब। हालांकि प्रकाश के जैसे जर्नलिस्ट दूसरों के पर्सनल स्पेस को छीन रहे हैं। प्रकाश गुस्से में आकर कहने लगता है, मुड़ियन एक ड्रग्स केस में कल्प्रिट है,
लेकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं। मैं एक हॉनेस्ट सिविलियन हूँ, किसकी बातों पर भरोसा करेंगे, एक क्रिमिनल या एक सिविलियन? शकीरा भी कहने लगती है, ये सरासर झूठ है जज साहब, प्रकाश के ऊपर भी केस है। एक लड़की ने प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज किया, वो मेरे पास आई। अगर वो लड़की पुलिस के पास जाती तो शायद उसे इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि प्रकाश उन पुलिस वालों को भी खरीद लेता। ऐसा कहते हुए शकीरा श्वेता नाम की एक लड़की को कोर्ट में हाजिर करती है। श्वेता जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है कि जज साहब, मैं कुछ दिनों पहले नार्दन न्यूज चैनल में ही काम किया करती थी। अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले प्रकाश एक सेंसेशनल न्यूज को ढूंढ रहा था, सो तभी प्रकाश मिनिस्टर थॉमस को अपना टारगेट बनाया। श्वेता को हिडन कैमरा फिक्स करके थॉमस के पास भेजा, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन जब प्रकाश को ये बात पता चली कि प्रदीप थॉमस का इंटरव्यू लेने वाला है, उस वक्त प्रकाश श्वेता को बुलाकर कहने लगा था कि तुम मिनिस्टर थॉमस के खिलाफ अपना रेप अटेम्प्ट का केस ठोको। उस वक्त श्वेता ने कहा था कि थॉमस तो इसको टच भी नहीं किया, थॉमस के खिलाफ ये कंप्लेंट क्यों करेगी? ये सुनने के बाद प्रकाश श्वेता को उसकी ही नेकेड वीडियोस दिखाकर उससे कहने लगता है, अगर तुमने थॉमस के खिलाफ लेटर नहीं लिखा तो तुम्हारे ये नेकेड वीडियोस मेरे ही चैनल में टेलीकास्ट होंगे। इस तरह से प्रकाश श्वेता से लेटर में साइन करवा लेता है और उसे जॉब से निकाल देता है। इस तरह से प्रकाश ने श्वेता का इस्तेमाल किया। शकीरा कहने लगती है कि श्वेता सच कह रही है, इसके लिए मेरे पास एक और सबूत भी है जज साहब। ऐसा कहते हुए मनु को कटघरे में बुलाती है। मनु प्रकाश का फ्रेंड। अब मनु जो कुछ भी हुआ वो जज साहब को बताने लगता है। हाँ जज साहब, श्वेता ने जो कहा वो सब सच है, हालांकि मैंने खुद श्वेता की वीडियो बनाई थी प्रकाश के कहने पर। और इसी तरह प्रकाश जानबूझ के मुड़ियन को ड्रग्स केस में फंसाया। इस तरह से और कुछ बातें मनु जज को बताता है। जज फौरन पुलिस को कोर्ट में बुलाता है, क्योंकि अगर और थोड़ी देर लेट हो गए तो दूसरे क्रिमिनल्स की तरह प्रकाश भी देश छोड़ के भाग जाएगा। और फौरन प्रकाश को कस्टडी में लेने के लिए कहता है, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने के लिए कहता है। प्रकाश जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, आप बिना वजह मुझे अरेस्ट करवा रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि वो लोग सच कह रहे हैं या झूठ, सोसाइटी में मेरी एक इज्जत है वो चली जाएगी। जज प्रकाश को डांटते हुए उसे कहने लगता है, सिर्फ तुम्हारे जैसों को ही मान सम्मान है, क्या गरीबों को नहीं मान सम्मान? क्या उनकी इज्जत नहीं होती? तुम बेवजह उनके कमरे में घुसकर, उनके बेडरूम में घुसकर उनकी वीडियो बना सकते हो, पब्लिक के सामने सरेआम नंगा कर सकते हो, लेकिन तुमको अरेस्ट करना नहीं चाहिए, क्यों? सिर्फ तुमको ही सोसाइटी में इज्जत है। खैर, उसके बाद जब पुलिस वाले प्रकाश को जेल ले जा रहे होते हैं, वहाँ के सारे लोग अपना अपना फोन निकालकर प्रकाश की वीडियो बनाने लगते हैं। और सच में ये सीन भाई साहब काबिले तारीफ, मतलब कल तक जो दूसरों की वीडियो बनाता रहा आज इसकी ही वीडियो बन गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।